और भी तमाम लोग जो इकट्ठा हैं, मैं इन सबको बहुत नमन करता हूँ, बहुत ही प्रणाम करता हूँ। आपकी मेहनतों से ये रंग आया है और ये हिंदू मुसलमान एकता का ये मंच है जहाँ हिंदुस्तान का नक्शा एक अलग ढंग से खींचा जाता है, जिसमें सभी सरहदों को मिलाने की कोशिशें जारी रहती हैं। अंबर भाई कहते हैं प्यार होता है अवतार किशन सिंह और हमारे अजय भाई रत्नाकर सिंह तन्हा का जो उद्देश्य है कब सम्मेलन का कि प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग ले सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। डॉक्टर साहब के पढ़ने के बाद मेरा भी मन हुआ कि पढ़ूं, मगर एक मिनट के बाद पढ़ूंगा। ऐसा कहा मैंने कि मेरे बारे में सोचा विचारा करो, किसानों ने कहा कि मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत आकर मेरा सारा चर जाते हैं, अपने साड़ों को बाबा संहारा करो। अपनी स्थिति हो जाती है तो बहुत अच्छा, बहुत प्यार से सुना। एक गाना आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। मतलब कभी कभी ऐसे हालात हो जाती है, जब कभी छत पे मेरी जान खड़ी रहती है, चांद की आबरू खतरे में पड़ी रहती है, उससे कहता हूँ उतरा कभी जमीन पे भी मगर वो जबरन मेरे सर पे चढ़ी रहती है। अब बहुत प्यार से सुना। जहाँ अभी डॉक्टर साहब ने संस्कारों की बात की, मैं एक चार पंक्तियां डॉक्टर शैलेश गौतम सर संचालन कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सारी रात सुनता रहूं तो भी आपका खजाना खत्म नहीं होता है, क्योंकि आप मौलिक कवि हैं और हम लोग कवि तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग वो चीज है जो और लोग नहीं बन सकते। मतलब मैं बताऊं, मैं अपने में एक ऐसा व्यक्तित्व हूं जो निराला। मैंने आज प्रेमिज का ये अपना मंच है, अगर ना आऊं तो हमने कहा एक शर्त पे आऊंगा कि डॉक्टर साहब के बात पढ़ूंगा, चाहे डॉक्टर साहब हमको भले पटक के मारे। अच्छा है भाई, अच्छा है। लेकिन डॉक्टर साहब के बात पढ़ूंगा। पहली बात तो ये गलती कर दिया, डॉक्टर साहब से अध्यक्षता कर दिया। अगर अध्यक्षता कर दिया तो उनकी अध्यक्षता को तोड़कर बीच में उनको पढ़ा देना था, क्योंकि इससे अधिक लोग और थे जो उनको सुनना चाह रहे थे। वहां चार लोग डॉक्टर साहब को सुन रहे थे चाय की दुकान पे, कहे डॉक्टर साहब अगते नहीं लावे यूट्यूब वो सुन ले, हम कहे तो हम हुक सुन ले हम जाबे ही करी, हम कहे हम हुक सुन ले भैया हम जाबे ही करी। जब त्योहार सबके यह मनता बा तो कहन जो है चार पंक्तियां ऐसे कहा जो है, कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, माँ के हाथों पे रखी पहली कमाई मैंने, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है यारों, इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई हमने। ये तो इशारा हो रहा है कि ये कुत्ता भी आ गया। अब हम तो ऐसे कभी हैं जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, यही बताना चाहता था। अंबर भाई ने कहा मैं जब पढ़ता हूँ, पहले लोग पढ़ते थे तानसेन गाता था तो बरसात होती थी, कृष्ण बांसुरी बजाते थे गायें आती थी हिरन आती थी, हम जब गाते हैं तो यही लोग आते हैं, या तो अखिलेश द्विवेदी आते हैं भाई, हम जब आते हैं अखिलेश द्विवेदी आते हैं, ऐसे और लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि और लोग सम्मानित है द्विवेदी जी हमारी तरह, इसलिए हम जो है हम उन्हीं का नाम लेकर अपने का सम्मानित करते हैं। अब जहां ले ये कुत्ते की बात आई, इसका मानवीकरण कर सकता हूं अपनी कविता में। कुत्ते मन के सच्चे इनके होते हैं बारह बच्चे,
कुत्ते मन के सच्चे इनके होते हैं 12 बच्चे। धोखेबाज मनुष्यों से तो है लाख गुना ये अच्छे। कुत्ते मन के सच्चे इनके होते हैं बना रहा हूं बना नहीं है तब बड़ा और तब यहाँ खड़ा। हमको लिखने की जरूरत नहीं। हमारी पत्नी ने कहा आप अच्छी कविताएं क्यों नहीं लिखते। हम कहे पगली जिस दिन लिख दिया उस दिन देश के सभी कवि भूखों मर जाएंगे। ये लोग कैसे अपनी दुकान चलाएंगे। हम अच्छी क्यों लिखे। अच्छा मान लीजिए ये लोग अच्छी लिखते हैं बस उसी में से उठा लो भाई। अरे बहुत जोरदार तालियां। नीचे आप लोग शाम का भोजन बनाते हैं चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां बटोरते हैं कंडे बटोरते हैं पत्थर बटोरते हैं। अगर हम अच्छी कविताएं बटोर के मंच पर आपको सुना दिए तो कौन बुरा किया भाई। मेहनत तो किए कि नहीं किए। मेहनत किए कि नहीं किए। अब हर कवि की पढ़ते भी नहीं। हमारा भी तो कोई स्तर है भाई। अगर सभी कवि तरसते हैं कि अंबर हमारी कविता पढ़ दे लेकिन हम क्यों गिफ्ट ला दें। बस यही आज तक मैंने डॉक्टर विष्णु सक्सेना को कभी नहीं पढ़ा इसलिए कि डॉक्टर साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। डॉक्टर साहब को सिर्फ सुनता पढ़ता नहीं सिर्फ सुनता क्योंकि गीत सुने जाते हैं पढ़े नहीं जाते। अब ये ऐसे लोग हैं मैं इनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ बड़ा नमन करता हूँ। यहाँ तो आप लोगों ने बड़ा प्यार दे दिया बड़ा दुलार दे दिया। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं मोछा ओछा फरकाए मैं तो आपको देख करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गया 2 मिनट में। और हम तो सोचे ये तो नाना फाड़न 20 बैठे थे लेकिन नाना फाड़न 20 थे वो तो इनसे 30 है। मैं आपको शीश नवाता हूँ इसलिए कि आपके बाल जो सफेद हो गए वो ऐसे बूढ़े बिल्कुल ना चिंतित रहे। हम उनको हौसला देते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी सफेद बाल। और चार पंक्तियां डॉक्टर साहब ऐसे कहा भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हर किस न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। तो इसलिए मैं इनको हल्के में नहीं लेता। वैसे आप लोग हमको हल्के में लेते रहते हैं। असली कवि वो है जो चाय की दुकानों से निकलता है। असली कवि वो नहीं जो जहाज से निकलता है। असली कवि वो भी नहीं है जो रेलवे के AC 3 टायर से निकलता है। असली कवि वो होता है जो चाय की दुकानों से निकलता है। जितनी लोग मंच पर पढ़ते हैं उतना हम चाय की दुकान पे चाय पीते हुए लोगों को सुनाते हैं। एक चाय की दुकान पे बनी है 4 लाइन आपको सुनाते हैं डॉक्टर साहब। लिखा नहीं लेकिन चाय की दुकान पे बनाया। चाय वाले ने कहा था कहीं सुनाना हो सकता है कुछ तालियां मिल जाए। देखता हूँ हो सकता है थोड़ी बहुत मिल जाए। कि मुझको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले हैं कई लोग मेरे नाम से जलने वाले। कहते सूरज से कोई चमकेला खिलाफ मेरे हम है पत्थर के कभी भी न पिघलने वाले। अब एक पिता से बताओ बड़ा कौन है माँ से बढ़कर जहाँ में भला कौन है। दूसरे लोग तो तुमको देंगे दगा अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है अपने भाई से बढ़कर सगा।